ये संजोग की बात हो सकती है कि कल लिस्ट निकली और कल ही मैं गया। हालांकि मुझे अप्रोच काफी दिनों से बीजेपी तरफ से हो रहा था कि मैं उनके साथ आऊं, लेकिन तब भी ममता जी का जो एक पर्सनल मेरे साथ रेपो संबंध स्नेह आशीर्वाद जो था, मैं उसके लिए वेट कर रहा था कि हो सकता है वो इस बार मुझे कहीं ना कहीं देखेंगी। तो उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ और पार्टी में नए लोगों को स्थान दिया गया, इसलिए एक तो वो विक्षोभ था, दूसरा हिंदी भाषी के प्रति जो भावना पार्टी में है, पार्टी के लोग जिस ढंग से बहिरागत बहिरागत करके आज मोदी जी से लेकर के हर एक को बहिरागत कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कारण था कि कितने दिन हिंदी भाषी ये सहेंगे यहाँ पर। आज लोग समझ लिए कि हिंदी भाषी चूड़ी पहन के बैठे हैं, चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं, हम भी सामना करने तैयार हैं, हम ईवीएम के माध्यम से उनको दिखा देंगे कि हिंदी भाषी कहाँ पर है और किसके साथ है। हिंदी भाषी अपना अपना अपमान अपमान नहीं सह सकते हैं। विरोध जब होता है, जब लावा फूटता है, वल्कानों को इरप्ट होने में बहुत टाइम लगता है, तो एक हद की सीमा जब पार हो गई कल देख लिया, तो मैंने कहा कि अब नहीं, अब चाहे निर्वाचन की टिकट की इसमें कोई भी बात नहीं है, चाहे बीजेपी से मिले नहीं मिले, किंतु इस दल में नहीं रहना, ये मैंने डिसाइड कर लिया था। 10 साल आप ममता बनर्जी के साथ रहे हो, करीबी रहे हो, बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, कभी बात करने की कोशिश नहीं की? देखिए 10 साल नहीं, मैं 20 साल उनके साथ रहा, 2001 से लेकर 2021 तक, और हमारे संबंध बहुत अच्छे थे, कल तक अच्छे थे। हमारी दीदी से प्राय रोज ही बात होती थी, वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, आई मैसेज के माध्यम से हो, फोन पर हो, तो ऐसा नहीं कि दीदी संग मेरा, जैसे लोगों ने पहले जो उन लोगों को छोड़ा, उन लोगों ने कहा कि हमारे दीदी से कांटेक्ट नहीं थी, बात करने का स्कोप नहीं था, किंतु मेरी उनसे प्राय रोज बातचीत होती थी और हर तरह की हम लोग बातें आपस में करते थे फैमिली के हिसाब से। लेकिन उसके बाद भी अगर कहीं कंसिडरेशन नहीं है तो बहुत खराब लगा मुझे कि यहाँ पे खाली अगर नए लोगों को तरजीह दी जाती है, तो मुझे नए लोगों आने से या पार्टी में आने से कोई तकलीफ नहीं है, किंतु पुराने लोगों को भूलना नहीं चाहिए। मैं उस वक्त का एमएलए हूँ जब पार्टी के 29 एमएलए थे, आज उनके पास 213 हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन 29 थे उसमें एक मैं था। अब बीजेपी ज्वाइन करोगे? आपने डिसाइड कर ही लिया? देखिए मेरी बातचीत कल हुई है पार्टी के शीर्ष नेताओं से, और आज पार्टी मुझे बताएगी कि कब क्या करना है नहीं करना है, तो जो पार्टी का डिसीजन आएगा वो मेरे शिरोधारी है, जो आज कराएं चाहे जब भी कराना चाहें, मैं तैयार हूँ।